नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के टॉपर को किया जाएगा सम्मानित। चमकी बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुबह 4 बजे से होगी चिकित्सकों की ड्यूटी। तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद को मिलेगी Y+ सुरक्षा। IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। LMNU के BEd प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव। LMNU के BEd प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। CET के लिए 9 अप्रैल को आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, वही 30 मई को प्रवेश परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अब परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। LMNU के नोडल पदाधिकारी की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि नई तिथियों की घोषणा जल्द होगी। बताया जाता है कि तकनीकी कारणों की वजह से अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो सका है। विश्वविद्यालय ने फिलहाल रीटेंडर नोटिस को जारी कर दिया है। एजेंसी के चयन के बाद ही अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का आज अंतिम दिन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में बिहार के 5 सीटों पर मतदान होगा। इसमें बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया की लोकसभा सीट शामिल है। दूसरे चरण के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण के 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इधर पहले चरण की बात करें तो नामांकन की वापसी के बाद पहले चरण में 4 सीटों पर 38 प्रत्याशी है। गया में 14, औरंगाबाद में 9, नवादा में 8 और जमुई में 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चमकी बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुबह 4 बजे से होगी चिकित्सकों की ड्यूटी। बिहार में चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग JEE और AES प्रभावित जिलों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जिला अस्पतालों में चिकित्सक, नर्स और चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जरूरी कर दी गई है। सिविल सर्जनों को दिए गए आदेश में ये बात कही गई है कि बीमार बच्चे समय पर अस्पताल पहुंचते हैं, ऐसे में अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद ही इनका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। बीमारी से निपटने के लिए अस्पताल में 75% दवा की उपलब्धता है। बताया जाता है कि अप्रैल से लेकर जुलाई के महीने में इसका सबसे अधिक खतरा बना रहता है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के टॉपर्स को किया जाएगा सम्मानित। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक कक्षा से सफल होकर अगली कक्षाओं में दाखिला लेने वाले छात्र और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे। इसी क्रम में पटना जिले के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 6 और 8 अप्रैल को दीक्षांत समारोह की तरह समारोह का आयोजन होगा। DEO की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को आदेश दे दिया गया है। वार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी करने के साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन संबंधित विद्यालय के शिक्षक और प्राचार्य की ओर से समारोह की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि बच्चे अगली कक्षा में और बेहतर प्रयास करें। बिहार के 12 जिलों के 34 बाल हृदय रोगियों का अहमदाबाद में होगा मुफ्त इलाज। बिहार के 12 जिलों के 34 बाल हृदय रोगियों का अहमदाबाद में मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसमें भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा, कटिहार जिले शामिल है। इन रोगियों का इलाज सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद में होगा। उनके अभिभावकों को जिले के 12 एम्बुलेंस के जरिए पटना लाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से इन्हें अहमदाबाद के लिए रवाना किया जाएगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को पत्र भेज दिया है। बिजली विभाग ने बकाया बिल के कारण काटा यूनिवर्सिटी का कनेक्शन। बिजली विभाग ने बकाया बिल को लेकर भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय का कनेक्शन काट दिया। बताया जाता है कि करोड़ रुपए के बिजली बिल को लेकर विभाग की ओर से कार्रवाई हुई है। इस कारण यूनिवर्सिटी के कामकाज ठप हो गए। यूनिवर्सिटी के कामकाज पर असर पड़ा है। अधिकारियों को काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कुलपति की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इसमें कहा गया है कि बिजली विभाग का ग्रीड हमारे जमीन पर है, इसके लिए विश्वविद्यालय को कोई राशि किराया नहीं मिला है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि बिजली विभाग पहले अपना किराया देगा तो बिजली कनेक्शन का भुगतान किया जाएगा। शिवहर में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला।
शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के फुलकाहा गांव में शराब तस्करों को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर तस्करों के सहयोगी समेत उपद्रवियों ने हमला कर दिया है। इन लोगों ने ईंट पत्थर और लाठी डंडों से प्रहार कर उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया और इनके वाहन को भी नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के अनुसार दारोगा सहित उनके कर्मियों की भी पिटाई कर दी गई। जख्मी होने के बावजूद उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। घायल पुलिस कर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पाटलिपुत्र और पट्टा साहिब लोकसभा क्षेत्र में 76 मॉडल बूथ का होगा निर्माण। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 76 मॉडल बूथ का निर्माण किया जाएगा। इसमें लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं होगी। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों के द्वारा संचालित बूथ होगा। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 30 मॉडल बूथ का निर्माण किया जाएगा। कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में 15 मॉडल बूथ का निर्माण होगा। पटना साहिब में 33 और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 41 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। मालूम हो कि इन मॉडल बूथ को अच्छी तरह से सजाया जाएगा। तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद को मिलेगी वाई प्लस सुरक्षा। बिहार के दो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से डीजीपी का आदेश जारी हुआ है। इसमें ये बातें कही गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए दौरे और वर्तमान खतरे को लेकर आकलन रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा दोनों नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मालूम हो कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में करीब 1 दर्जन पुलिस कर्मी होते हैं। इनमें 2 से 4 कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के पास मंत्री के पास होने वाली सुरक्षा है। वहीं तारकिशोर प्रसाद के पास विधायकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा है। पूर्णिया की लोकसभा सीट से पप्पू यादव ने दाखिल किया नामांकन, भावुक होकर कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की लोकसभा सीट काफी चर्चा में है। एनडीए से यहां के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा है। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से राजद के प्रत्याशी बीमा भारती है और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया था। वहीं अब पप्पू यादव ने पूर्णिया की लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। इस दौरान वो भावुक नजर आए और उन्होंने कहा है कि वो थक चुके हैं। बाइक पर पप्पू यादव समाहरणालय पहुंचे, उनके पीछे कार्यकर्ताओं की फौज दौड़ती हुई नजर आई। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। जमुई की रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया भावुक संदेश। जमुई में रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को एक भावुक संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी को कहा है कि लोकसभा के चुनाव में इस बार बिहार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां से पीएम के परिवार वालों ने राज्य के सभी सीटों पर भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया है। मालूम हो कि जमुई से एनडीए के प्रत्याशी अरुण भाटी है, ये रामविलास पासवान के दामाद है और चिराग पासवान के बहनोई है। ये सीट गठबंधन के अंतर्गत एनडीए में लोजपा रामविलास के खाते में गई है। जानकारी के अनुसार जमुई वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह से चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। टिकट बेचने के आरोप के बाद चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के करीब 20 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही चिराग पासवान के ऊपर टिकट बेचने का उन्होंने आरोप लगाया है। इसे लेकर चिराग पासवान ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को सीट नहीं मिलती है तो हर दल पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। अगर किसी को मौका नहीं मिलता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। लोजपा रामविलास सिर्फ 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केवल 5 लोगों को ही मौका दिया जा सकता है। 50 लोगों को समाहित करना संभव नहीं है। महागठबंधन में प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने में देरी को लेकर जदयू ने साधा निशाना। महागठबंधन में प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने में देरी को लेकर जदयू ने पोस्टर वॉर किया है। मालूम हो कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने 40 की 40 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है।
वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद भी कई जगह पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हुए हैं और उसके बाद इसे लेकर जदयू ने राजद और कांग्रेस दोनों को ही निशाने पर लिया है। पोस्टर के जरिए कहा गया है कि पकड़वा प्रत्याशी बनने से बचे। इसमें कांग्रेस के हिस्से में आई 6 सीटों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आप कुर्ता पैजामा पहनकर नजर आएंगे तो जंगल राज के नायक आपको लालू प्रसाद यादव के घर लाकर कांग्रेस का प्रत्याशी बना देंगे। बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल। बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, शकील अहमद, सलमान खुर्शीद और कन्हैया कुमार का नाम है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लालू यादव के समधी अजय यादव को भी जगह दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया है। ये स्टार प्रचारक कांग्रेस के साथ ही राजद, भाकपा माले आदि पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में भी चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होंगे। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। आईपीएल 2024 के 16वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से भारी अंतर से हरा दिया है। इसके साथ ही इस टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई है। केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को पीछे कर अब पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बना ली है। दिल्ली पर जीत के बाद केकेआर का रन रेट काफी अच्छा हो चुका है। दिल्ली के हार से पंजाब की टीम को फायदा जरूर पहुंचा है। पंजाब और आरसीबी दोनों टीम को एक स्थान का लाभ हुआ है। इधर मुंबई की स्थिति में किसी भी तरह का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ये टीम आखिरी पायदान पर है। वहीं आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच शाम में 17वां मुकाबला होने जा रहा है। आपके अनुसार गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले आज के मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शादुला पालवी, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर मैतो, सोनम तोमर, मोहम्मद शकीर हुसैन, अवल किशोर रुझान, वरकरीन खान, संजीत कुमार यादव, राजकिशोर मैतो, विनोद कुमार राम, रिंकी कुमारी, वेद प्रकाश सिंह, उमेश श्रीदेव। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में गर्मी की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।